गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर है प्लस टू क्लास का। आपके 23 का क्वेश्चन हो चुके हैं, 24वां क्वेश्चन आपका। बात वही है जिस तरह पीछे हमारा जो चलता था पूरी एक्सरसाइज उसी के ऊपर आपका। तो अब देखेंगे प्रूव करना है, डिफरेंस का निशान दे रखे हैं, ये एलिमेंट दे रखे हैं, प्लस बी का और उसके सी ए बी सी, सी ए बी प्लस सी का और उसके ए बी, बी सी ए बी और सी प्लस ए का और उसके। डिफरेंस को क्या चीज प्रूव करनी है, टू ए बी सी a प्लस बी प्लस सी की क्यू, ये चीज अपने को प्रूव करनी है। देखो आंसर 24 लाइट विद इंटरनेट, ये एलिमेंट ऐसे कैसे लिख देंगे। अब आप देखिए मैंने वो कैसे लगाया इसके अंदर, क्या भाई ए बी सी से तो ऊपर कर दिया, ए बी सी से नीचे कर दिया, तो किससे, जब किसको मान अंदर लेके गया, आर वन की किसके साथ में कटी है, सी सी के साथ में, सी आर वन। अब ये आर वन था, इसके साथ में अगर हमने सी की कर दी तो पूरे के साथ किसी लग जाएगा, किसी लग जाएगा सी ए प्लस बी का उसके सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी। आर टू के अंदर मैंने ए से कर दी, ये आर टू था, ए के साथ में करा दी तो सी ए स्क्वायर ए बी प्लस सी का उसके ए स्क्वायर, और आर थ्री के साथ में फिर बी की कर दी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए बी सी प्लस ए स्क्वायर। अब आप देखिए C इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, A इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, B इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो फिर कॉमन ले लिया टेकिंग C A और B। C तो कॉमन आया आपका C1 में से, A जो कॉमन आया C2 में से, और B जो कॉमन आया C3 में से, तो कॉमन ले लिया A B C बाय A B C था लिया, ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, दो चीज बचेगी a plus b का whole square c square c square, ये चीज बचेगी क्या आपकी a square b plus c का whole square a square b square b square c plus a का whole square। उसके बाद फिर ऑपरेशन लगाया आपने c1 के अंदर, किसके अंदर ऑपरेशन लगाया c1 के अंदर, c1 minus c3, ये था दिया आपका c1 और ये था दिया आपका c3, तो c1 minus c3 एंड C2 के अंदर ऑपरेशन लगाया C2 के अंदर C2 माइनस C3, तो C2 माइनस C3, C पहले C1 के अंदर लगाएंगे C1 माइनस C3, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस के C स्क्वायर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर जीरो हो जाएगा, B प्लस C का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा आपका। उसके बाद बी स्क्वायर में से माइनस के सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप देखिए आपने आइडेंटिटी बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, वो आइडेंटिटी बोल दी ए प्लस बी प्लस सी a प्लस बी माइनस सी, ये जीरो ये सी स्क्वायर, ये जीरो इसमें फिर आइडेंटिटी कौन थी a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा थी ए स्क्वायर, इसमें भी आइडेंटिटी कौन थी आपने, और इसमें भी आपने आइडेंटिटी कौन थी, और ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी इसमें भी था, इसमें भी था, a प्लस बी प्लस सी इसमें भी था, इसमें भी था, c1 में से और c2 में से कॉमन आ गया आपका c1 एंड c2 कॉमन a plus b plus c, तो a power इसकी और a power इसकी, तो कितनी power हो जाएगी दो, a plus b plus c का whole square आपका common आएगा, यहाँ क्या बचेगा जी a plus b minus c zero c square zero a and b plus c minus b a square, यही common आएगा b minus c minus a, ये कॉमन आ गया b माइनस c माइनस a और c प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखिए r3 के अंदर मैंने ऑपरेशन लगाया, इसके अंदर r3 है, r3 के अंदर मैंने ऑपरेशन लगाया r3 माइनस r1 प्लस r2, ये r3 था आपका, इसमें से r1 और r2 को जोड़ के और इसमें से घटाना है, तो जब आप घटाओगे बाकी ऐसे कैसे लिखने हैं जो वहां थे a प्लस b माइनस सी जीरो सी स्क्वायर जीरो बी प्लस सी माइनस ए ए स्क्वायर, ऐसे कैसे लिख दिए। अब आर थ्री के अंदर आपका ऑपरेशन है सिर्फ आर थ्री के अंदर, बाय
ए में से आर थ्री में से आर वन प्लस आर टू माइनस के बी आर प्लस के सी हो जाएगा। जो चीज कटती है वो काट दो और जो चीज बचती है वो लिख दो। अब इसी के अनुसार आपका क्या बच गया, माइनस के टू ए बच जाएगा। ठीक है जी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए माइनस ए माइनस के टू ए बच जाएगा। तो अब आप देखिए माइनस के टू ए सी के हिसाब से टू सी और टू ए और सी। अब आप देखेंगे इसमें टू 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 पूरे में से कॉमन आ गया, टू क्या आ गया कॉमन, बाहर क्या था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बाकी ऐसे कैसे लिखने हैं जो एलिमेंट इसके अंदर थे वो ऐसे कैसे लिख लिए। अब आगे आपने ऑपरेशन लगाया क्या सी वन के अंदर, सी वन प्लस वन बाय सी सी थ्री, सी वन सी वन था जो आपका ये सी वन था, ये क्या था सी वन, सी वन के अंदर आपने ऑपरेशन लगाया सी वन था जो आपका ए प्लस बी माइनस सी प्लस 1 by C किसके साथ में C3 माइनस के क्या है इसके साथ में A। इसको सोल्व करना आपने, इसको क्या करना चाहिए आपने सोल्व करना है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास आंसर आ जाएगा क्या किसके अंदर लगा C1 के अंदर, C1 के अंदर A plus B बच गया, A square by C बच गया और 0 बच जाएगा। फिर C2 के अंदर लगाया C2 वन बाय ए सी थ्री, तो सी स्क्वेयर ए बी प्लस सी जीरो, सी थ्री ऐसे कैसे लिखना है सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए सी। ठीक है जी, नेक्स्ट अब आप देखिए यहाँ दो जीरो हो गए, यहाँ क्या हो गया आपके दो जीरो हो गए। तो दो जीरो हो गए तो कह रहे हैं मतलब इससे क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, क्या था आपका आर थ्री, आर थ्री से आपने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिंग आर थ्री। तो जो चीज बस आपकी बात हम लिख देंगे टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। तो अब आप देखेंगे जीरो से करेंगे जीरो जाएगा, जीरो से करेंगे तो क्या जाएगा जीरो ए सी, ये चीज चली जाएगी और ये चीज चली जाएगी, ये बचेगा ए प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय सी बी प्लस सी, ये चीज लिख दीजिए ए सी बाहर आ जाएगा आपका ए प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय सी बी प्लस सी। इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन जाएंगे जैसे ऊपर जाएंगे माइनस का आ जाएगा जी आपका। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे सोल्व करने के बाद ये चीज आपकी बात थी ए सी इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन था ए सी, इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास ये आ गया है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए बी सी, यही चीज अपने को प्रूव करनी थी। धन्यवाद, थैंक यू।